दोस्तों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हर आदमी की ज़रूरत एक कूलर की ज़रूर है। तो ये कूलर बजाज का DC55 DLX मॉडल मैंने लिया था एक साल पहले, और एक साल में मैंने इसे 15-15 घंटे भी चलाया है। अब इस कूलर की मैं आपको खूबियाँ और कमियाँ दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, इसका लुक कैसा है, इसके क्या क्या फीचर हैं और इसमें परेशानियाँ क्या क्या हैं और इसकी खूबियाँ क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने कूलर के फीचर देख लेते हैं। ये जो बटन लगे हुए हैं ये 3-स्टेप सेटिंग है, सबसे ज़्यादा स्पीड, उसके बाद कम स्पीड और सबसे कम स्पीड, और ये 0 पे आने के बाद में कूलर पंखा बंद हो जाएगा। इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, पानी बंद करने के लिए, फिर आगे स्विंग करने के लिए, दोनों तरफ स्विंग करने के लिए और पानी बंद करने के लिए। नीचे आते हैं तो ये जो बटन दिए गए हैं ये आगे के लोअर को नीचे और ऊपर करने के लिए हैं। ये देखिए, ये दूसरा मैं करके दिखाता हूं आपको। ये उसके नीचे आप आएंगे तो इसमें पानी का इंडिकेटर दिया हुआ है कि आपका टैंक कितना फुल है। अभी जैसे ये लगभग सेंटर में है तो आधा टैंक है, अगर ये फुल पे आ जाएगा टैंक फुल हो जाएगा। इस टैंक की कैपेसिटी लगभग 55 लीटर के आसपास है। ये आगे जो नीले ढक्कन दिया हुआ है इसमें से आप पानी भर सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है ये कूलर और बहुत ही स्मार्ट भी है, देखने में खूबसूरती इसकी काफी अच्छी है। दोस्तों कूलर के टॉप पर भी एक ढक्कन दिया गया है, ये आइस चैम्बर और पानी का चैम्बर भी कह सकते हैं। अगर इसे हम ओपन करके देखें तो इसमें आप आइस डाल सकते हैं। इस कूलर में घास की जगह हनीकॉम्ब पैड दिया गया है, मैं आपको इसे खोलकर दिखाता हूं कि हनीकॉम्ब पैड है कैसा और इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों ये मैं कूलर का ढक्कन खोल चुका हूं, देखिए ये होता है हनीकॉम्ब पैड। इसका सबसे बढ़िया फायदा यह है कि जैसे लोहे के कूलर में जो घास आती थी वो हर साल आपको फेंक के दूसरी लगानी पड़ती थी, अब इसमें ये हनीकॉम्ब पैड को आप हर सीजन धोकर बढ़िया क्लीन हो जाएगा और इसे कई साल तक आगे यूज कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से कूलर का दिखा देता हूं। इस कूलर में जो एक परेशानी मुझे फेस करनी पड़ी मैं आपको दिखाता हूं। इस कूलर में कुछ इस तरीके के पहिए लगे हुए आए थे, ये देखिए दोस्तों ये चारों पहिए यहां पे रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके के पहिए लगे हुए आए थे। 55 लीटर का इसका टैंक है, जब टैंक फुल करने के बाद अगर इसे आप कहीं मूव करेंगे तो पहिए परेशान करते थे, तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि नीचे मैंने एंगल का एक फ्रेम बनवाकर और इसमें हैवी वाले पहिए लगवा दिए हैं। अब इसे टैंक फुल करने के बाद भी हम कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं। एक साल यूज करने के बाद अगर मैं इसका ओवरऑल रिव्यू बताऊं तो प्रोडक्ट पैसा वसूल है। ये 9,000 रुपये का कूलर मैंने लिया था, एक साल बाद भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज है, इसे आप खींचकर बेडरूम में ले जा सकते हैं, ड्राइंग रूम में ले जा सकते हैं। लुक इसका इतना अच्छा है कि ये आपके बेडरूम की शोभा ही बढ़ाएगा। अगर आप इसे लोहे के कूलर से कंपेयर करेंगे, लोहे का कूलर आपका लगभग 4,000 रुपये के आसपास में आया था है, लेकिन ये कूलर 9,000 रुपये का है, लेकिन इतनी ही बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है, देखने में खूबसूरत है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। कूलर चलता है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिला तो मैंने सोचा चलो आपको भी एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दें। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।